नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान की जो विशेषता है उसे पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने क्या 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 पढ़ा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखे थे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज देखे थे। और टोटल हमने 5 लेक्चर अभी मतलब इसके पढ़ चुके हैं और ये क्या है, 6वां लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषता है। तो सबसे पहले जो विशेषता है इसे बोला जा रहा है, अब विशेषता देख लेते हैं कि जो ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू मतलब पूरी जो इंडियन पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा ओवरव्यू हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें समाहित की गई है। तो सबसे पहले जो विशेषता उसकी है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो बात करते हैं जो संविधान है, संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि देख लेते हैं, लिखित है और एक अलिखित है, मतलब एक रिटन है और एक अनरिटन है। तो लिखित की यदि बात करें तो अमेरिका का संविधान, अब अमेरिका का संविधान है जो 4 महीने में बनकर तैयार हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो 4 महीने में बनकर तैयार हो गया, तो आर्टिकल उसमें कितने हैं, 7 आर्टिकल ओनली। तो 7 आर्टिकल है, इसलिए क्या हो गया, 4 महीने और कम समय में हो जाता। और हमारा जो संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, तो इतना समय क्यों लगा है। तो आपको देखकर हैरानी होगी कि हमारा जो संविधान है 60 देशों के अवलोकन से बनाया गया है, मतलब 60 देशों का संविधान लिया गया और उसमें लगभग 111 दिन क्या हुआ, अवलोकन किया गया, उसका विचार विमर्श किया गया और उसकी जो सारी उसको हमारी जनता के अनुरूप क्या किया गया, अप्लाई किया गया हमारे संविधान में, मतलब उधार नहीं लिया गया है, उनका एनालिसिस करके हमारे संविधान में लिखा गया है। तो जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान हम बोल सकते हैं, जहां लिखा हुआ सारी चीजें। उसके बाद अलिखित जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो ब्रिटेन का संविधान जो है अनरिटन है। अब कैसे, अगर आप ब्रिटेन वालों से बोलोगे कि आपके संविधान को दिखाइए तो वो पूरी लाइब्रेरी दिखा देंगे, मतलब एक जो सिंगल बुक होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो ना होकर पूरी लाइब्रेरी में आप उनके रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो भारत है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत ही बड़ा और समग्र विस्तृत दस्तावेज है और इसको जो ओरिजिनली रूप से मतलब मुख्य रूप से क्या हुआ था, 1949 में क्या हुआ था, संविधान को प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल जिसे बोलते हैं, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियों, इनके साथ इसे क्या किया गया था, मतलब इसे लागू किया गया था। उसके बाद यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें क्या है, एक प्रेम्बल है, 465 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभक्त है ये और 12 अनुसूचियां है। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं, 395 अनुच्छेद से कितने हो गए, 465 हो गए। तो ये बड़े नहीं है, मूल रूप यदि बात करें तो 395 है, पर 465 कैसे है, जैसे किसी के अंतर्गत मान लीजिए आप कोई आर्टिकल है या बोल सकते हैं हम 21, उसका ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तो इस प्रकार क्या हो गया, बढ़ते गए। तो उसे उसी को बढ़ाकर यहाँ बोल दिया गया 465 है। और 25 भाग है मतलब यहाँ बोला जा रहा है, तो यहाँ इसमें देख लेते हैं हम, सन 1951 में संशोधन के पश्चात क्या हुआ है, अभी तक 20 अनुच्छेद है और 7 भाग मतलब जो भाग नंबर कितना था, 7वां था, तो उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ 20 अनुच्छेद भी हटा दिया गया है और भाग 7वां भाग था वो उसको हटा दिया गया। तो यहाँ 22 में से कितने बचे, 21, और 21 के बाद 4 जोड़े तब हुआ कितना, 25। तो जो 7वां भाग है, 7वां भाग किससे संबंधित है जिसे हटाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, लगभग अभी तक क्या हो गया, 90 से अधिक अनुच्छेद इसमें जोड़े गए और 4 भाग जोड़ दिए गए। 4 भाग कौन कौन से है, 4 का है, 9 का है, 9 खा है और 14 का है। और 4 अनुसूचियों की बात करें तो कौन कौन सी, पहले 8 थी और अभी कितनी है, 12 है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई है। और किसी भी अन्य संविधान मतलब विश्व के किसी अन्य संविधान की यदि बात करें तो इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां किसी भी संविधान में नहीं है। तो इसी के कारण क्या है, हमारा जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान इसे माना जाता है। इसके पीछे विकसित मतलब इतना बड़ा विकसित क्यों किया गया भाई, इतना विस्तृत और लंबा जो लिखित संविधान है इसको इतना बड़ा बनाया क्यों गया, तो इसके पीछे 4 कारण है। तो पहली बात कर लेते हैं, पहला कारण क्या है, भौगोलिक कारण। भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल कारण जो होता है, जैसे कि भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार जो है बहुत बड़ा है आपको पता होगा, और प्रत्येक स्थिति में यदि हम देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम नीचे जाता जाते शुरू करें जाना शुरू करें तो पग पग पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग जो भी धर्म है, ये सारे लोग हमको मिलते जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विविधता, डाइवर्सिटी। तो क्या होता है, एक कहावत भी आपने सुनी होगी, कोस कोस पर बदले पानी और सभा कोस पर वाणी। तो हमारा भारत कुछ ऐसी ही विशेषता को फॉलो करता है, इस कारण क्या हो गया है, इतना बड़ा संविधान बनाने की इसमें आवश्यकता हुई है। और एक और देख लेते हैं, ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण क्या होता है, जैसे कि इतने समय से हमारे जो भारत है उसमें ब्रिटिश का शासन चला है,
तो ब्रिटिश के ही शासन से हमने सारी चीजें उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी जनता वैसे ही बेचारी पहले क्या इतने अत्याचार झेल चुकी थी, और हम सीधी सीधे उसको मॉडिफाई कर देते सारे रूल्स को, तो क्या होता उनके लिए, तो अत्याचार होता ना। तो इसी के कारण क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश द्वारा जो रूल्स अप्लाई किए गए थे उसमें से हमने ज्यादातर अप्लाई किया हमारे संविधान में। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हुआ हमारे संविधान में, इसलिए क्या है सबसे ज्यादा विस्तृत है। उसके बाद देख लेते हैं एकल संविधान। एकल संविधान मतलब आप देख सकते हैं सभी राज्य, बोले तो अभी हमारे वर्तमान में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के लिए जो केंद्र है और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो इसका अलग से है, मतलब ये 370 जो अनुच्छेद है इसके लिए अलग से बनाया गया है, इसमें अलग से इसका प्रावधान है। तो इसको यदि छोड़ दे तो सभी राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, इसलिए क्या हो गया सभी के जो मतलब जो आर्टिकल है या जो भी उपबंध है सभी के संविधान में लिखे गए एक ही संविधान में, तो इसलिए बड़ा तो होना है, स्वाभाविक सी बात है। और एक और है प्रभुत्व, किसका रहा है, कानून विशेषज्ञों का। अब कुछ दिग्गज लोग होते हैं, दिग्गज मतलब जैसे कोई एक से एक एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपनी सलाह देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया यहाँ सलाह दी है, तो विभिन्न प्रकार की सलाहों को इसमें क्या क्या ऐड किया गया, तो इसी के कारण इसको बड़ा करना पड़ा, मतलब बड़ा होने के ये चार कारण है। अब इसके पीछे देख लेते हैं, तो जो संविधान ना सिर्फ क्या होता है हमारा संविधान मौलिक सिद्धांत, बल्कि विस्तृत रूप से अब बाकी जो संविधान है विश्व के, तो कुछ में क्या होगा मौलिक अधिकार जोड़ दिए, भाई संविधान बन गया। पर हमारा भारत तो ऐसा नहीं है ना, हमारा भारत में जो संविधान है संविधान विस्तृत रूप से है, मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक प्रावधान भी यहाँ विद्यमान है, सारी चीजों को यहाँ एकत्र किया गया है, इसलिए इसका बड़ा होने का कारण है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो अन्य आधुनिक लोकतंत्र में सभी मतलब जिन मामलों को विधानों को छोड़ दिया गया था उनको भी हमारे भारत में संवैधानिक दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो विभिन्न स्रोतों से निर्मित, मतलब बोला जा रहा है कि अन्य देशों के संविधान को अवलोकन किया गया और उसके बाद हमारा संविधान को बनाया गया। तो ये अब कुछ लोग बोलते हैं उधारी का थैला, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप देख लीजिए अगर किसी के संविधान को हमने सेम टू सेम यदि अप्लाई किया होगा तो उसे बोला जा सकता है उधारी का थैला। पर हमने क्या करा, 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया है, अच्छे से विचार विमर्श किया है, और उसके पश्चात उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी जनता के अनुरूप, मतलब जो सिटीजन है हमारे इंडिया के उनके अनुरूप हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया है। तो उधारी का थैला कैसे हुआ, तो इसे हम अवलोकन, मतलब एक बात बताइए आप किसी को देखकर ही सीखोगे ना, आप ऑटोमेटिक भगवान से मतलब भगवान ने आपको सिखाया थोड़ी भेज दिया है, तो आप क्या करोगे किसी को देखकर ही सीखोगे और अपने अनुसार उसमें अप्लाई करोगे चेंजेस। अब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को देखकर नहीं सीखोगे, तो ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गर्व से क्या कहा है, जो भारत का संविधान है उसको विश्व के विभिन्न संविधानों को जानने के बाद, मतलब उसमें अवलोकन करने के बाद इसका निर्माण किया गया, ना कि उसकी कॉपी की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि अधिकांश जो स्ट्रक्चर है उसका कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और दार्शनिक भाग की यदि बात करें, जिसमें कहा जाता है मौलिक अधिकार आ जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, तो ये दोनों चीजें जो है अमेरिका और आयरलैंड से ली गई है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और उसके बाद देखते हैं राजनीतिक भाग, तो राजनीतिक भाग हमने कहाँ से लिए हैं, जो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो कार्यपालिका और विधायिका है इस संबंध में उपबंध लिए है, पर फिर भी क्या है ये थोड़ा चेंज है हमारे भारत में। अदर प्रावधान मतलब जो प्रोविजन की यदि बात करें, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ये आदि देशों से है। और सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। बार बार इसकी बात की जा रही है क्योंकि आधार क्या है, 1935 का अधिनियम था, वो हमारे संविधान का आधार माना जाता है। और संविधान के आने से अधिक के जो प्रावधान है 1935 के समान है या फिर उसी से मिलते जुलते माने जाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, तो कठोर और लचीला का संबंध है, मतलब रेजिड और फ्लेक्सिबल, बोला जा रहा है कि एक प्रकार से कठोर भी है और लचीला है, मतलब फ्लेक्सिबल बदलने योग्य भी है। तो यहाँ बात करते हैं पहले कठोर की, तो जिस में संशोधन प्रक्रिया, मतलब कठोर उसे बोला जाता है जिसमें विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, मतलब 2/3 मेजोरिटी, मान लीजिए 100% है, 100% में से 66 लोगों के जो बहुमत है वो प्राप्त होने चाहिए तो इस प्रकार की मेजोरिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो जैसे कि देख लेते हैं अमेरिका का जो संविधान है यहाँ विशेष प्रक्रिया मतलब स्पेशल प्रोविजन को फॉलो किया जाता है। उसके बाद लचीला कैसे हुआ, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जो आम कानून में होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में दोनों को
मिला जुला रूप है, ना तो हमारा ज्यादा लचीला है ना ही ज्यादा कठोर है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप किसको बोला गया है? हमारे संविधान को बोला गया है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के प्रावधान है संविधान संशोधन के, तो जैसे देख लेते हैं, तो विशेष बहुमत है और एक है विशेष बहुमत और कुल राज्य के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। ये दोनों प्रावधान कहाँ पे है? हमारे 368 नंबर के आर्टिकल में है जो संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि बात करें तो संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, पर सामान्य बहुमत से जहां संशोधित किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, मतलब उसमें अनुच्छेद ये अनुच्छेद के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत तो होता है कि भाई जैसे देख सकते हैं हम, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर राष्ट्रपति उसको अनुमति देता है, उसके पश्चात ही वो एक्ट बनता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? 368 के अंतर्गत आएगा। ये आम जो प्रक्रिया है, आम विधान, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, और उसके साथ में क्या है? एकात्मकता मतलब इंटीग्रेटेड भी है। तो यहाँ बात करते हैं जो संघीय सरकार की स्थापना की जाती है यहाँ संविधान में, तो यहाँ दो प्रकार के लक्षण, जैसे कि संघ के लक्षण हो गए और एकात्मकता के लक्षण हो गए। तो दोनों प्रकार की व्यवस्था को हमारे भारत या कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो पहली बात करते हैं दो सरकारें, संघ के लक्षण में दो सरकारें, जैसे कि देखते हैं सेंटर और स्टेट, तो दोनों सरकारें अलग अलग है यहाँ पर भाई, उसके बाद मिला जुला रूप यहाँ वर्क करते हैं। शक्तियों का विभाजन है, मतलब स्टेट को कुछ पावर दे दी गई है और सेंटर को कुछ पावर दे दी गई है, तो यहाँ शक्तियों का विभाजन भी है। लिखित संविधान है, मतलब सेंटर और स्टेट के लिए दोनों का एक लिखित संविधान है यहाँ पे। और संविधान की सर्वोच्चता मतलब जो सुप्रीम है, सुप्रीम कौन है? संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यहाँ भी निर्णय लिया जाएगा सुप्रीम, और इसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रहता है सबसे फर्स्ट नंबर पर रहता है, अगर संसद के द्वारा कोई विधान बनाया गया है तो उसकी जो है चेकिंग मतलब जो है अवलोकन करने के बाद ही उसे पारित किया जाएगा, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आवैधानिक मतलब जो उसमें विरोध करके या फिर बोल सकते हैं उसको हटा भी सकता है। उसके बाद देखते हैं संविधान की कठोरता, मतलब ये क्या रेजिड भी है, मतलब विशेष बहुमत को यहाँ फॉलो किया जाता है। और एक प्रकार से देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है सबसे स्वतंत्र है, जो निर्णय उसके द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव या विधायिका के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसका अवलोकन किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा। द्विसदनीयता है, मतलब दो हाउस है, जैसे कि देख लेते हैं अपर हाउस है लोअर हाउस, मतलब अगर सेंटर की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा है, और यदि राज्य स्टेट या राज्य की बात करें तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दो हाउस को यहाँ फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं एकात्मकता या गैर संघीय लक्षण की, तो एक सशक्त केंद्र है। अब बात करते हैं जैसे कि आपातकाल लग जाए, मतलब इमरजेंसी यदि लग जाए सेंटर में, भारत में पूरे, तो सभी राज्य किसके कंट्रोल में रहेंगे? सेंटर के कंट्रोल में रहेंगे, मतलब वहाँ जो राज्य की पावर है वो छीन ली जाएगी। उसके बाद देखते हैं एक संविधान, तो एक संविधान है यहाँ पे, मतलब जो दोनों राज्य दोनों चीजों के लिए, स्टेट और सेंटर के लिए एक ही संविधान, तो एकात्मकता का ये फीचर है। फिर एकल नागरिकता, यदि भारत में व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, कोई से भी राज्य में रह रहा हो, वो इंडिया का है तो उसको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जैसे यूएसए की, तो यूएसए में आपको पता होगा स्टेट की नागरिकता अलग मिलती है और सेंटर की नागरिकता अलग मिलती है, तो दो तरह की सेवाओं का वो लाभ उठा सकता है व्यक्ति यहाँ पे, पर यहाँ हमारे यहाँ भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं संविधान का लचीलापन, तो लचीलापन मतलब आम विधान के द्वारा भी इसे हम क्या कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है, उस कारण क्या है एकात्मकता का सिद्धांत यहाँ फॉलो करता है। फिर एकीकृत न्यायपालिका, आप न्यायपालिका की यदि बात करें तो कोर्ट की बात करते हैं, मतलब जो न्यायालय है, तो सबसे ऊपर देखते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद देखते हैं जो नीचे वाली न्यायिक व्यवस्था होती है, जो भी कोर्ट होते हैं, तो यहाँ अलग अलग होने के बाद भी क्या है एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। जो नीचे वाली जो कोर्ट है वो किसके रूल्स को फॉलो करेगी? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है एकीकृत न्यायपालिका है। फिर देखते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो सेंटर जो करता है, जैसे कि बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय सेवा है, तो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो
मतलब सेंटर के द्वारा क्या करी जाती है, उनका प्रावधान है कि उनके द्वारा आयोजित की जाती है, और उनके द्वारा जो भी IAS IPS IFS जो भी अधिकारी बनते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रभार दिया जाता है। मतलब सीधे प्रसार मतलब कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा। तो क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मकता का लक्षण माना जाता है। फिर आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन मतलब जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी बोले तो इंटर जो नेशनल है, स्टेट है और फाइनेंशियल है, तो ये तीन प्रकार की इमरजेंसी है। तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी में क्या होता है, जो केंद्र होता है उसके हाथ में सारी पावर चली जाती है, तो एकात्मक मतलब वहां सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को कौन कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। फिर भी अब इन सभी विशेषताओं के बाद भी क्या है, संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, मतलब हमारे इंडिया को क्या कहा गया, राज्यों का संघ। और राज्यों का संघ कहा गया तो इसके दो अभिप्राय है, कैसे, संघ और राज्य के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मान लीजिए यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ क्या होता है, सभी स्टेट और जो सेंटर होता है उनके बीच समझौते होते हैं, उसके उसका निष्कर्ष होता है कि भाई संघ है वो। और दूसरा यदि बात करें, हमारे भारत में ऐसा समझौता नहीं होता है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब सेंटर है भारत, भारत के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट है, 29 स्टेट। आप कोई चाहता है कि 29 में से एक स्टेट चाहता है कि मैं जाकर कहाँ मिल जाऊँ, चाइना में मिल जाऊँ, या फिर बोल सकते हैं दूसरे कंट्री में, पाकिस्तान में, तो ऐसा अधिकार यहाँ नहीं दिया गया है। अब अलग मतलब यहाँ अंदर हो सकते हैं कि जैसे यूपी है, तो यूपी बहुत बड़ा है, अभी 4-5 स्टेट में तोड़ने का यहाँ चल रहा है, तो यूपी को 4-5 या 10 स्टेट में बदला जा सकता है, पर उसको एक भाग को तोड़कर नेपाल में या फिर चाइना में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसा प्रावधान हमारे भारत में नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, सरकार का संसदीय रूप। तो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष प्रणाली है, उसकी बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है, मतलब जो लेजिस्लेटिव होती है तो वो क्या करती है, रूल बनाने का काम करती है, और रूल को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव करती है। तो इन दोनों के मध्य समन्वय होता है। पर यदि बात करें अध्यक्षीय प्रणाली की, जो अमेरिका का है, तो ये क्या करती है, शक्तियों का विभाजन, मतलब स्टेट और राज्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो राज्य मतलब केंद्र में केंद्र की सरकार चलेगी, और राज्य में राज्य के कानून बनाने के लिए राज्य की सरकार चलेगी। तो यहाँ क्या हो जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, और यहाँ पे समन्वय होता है। और संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ की है, वो किसके मॉडल पर आधारित है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर, जो लंदन में एक प्लेस है उसके आधार पर ये हमारी संसदीय प्रणाली है। और ये क्या हो देती है, रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है एक प्रकार से, और कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की सरकार के नाम से इसे जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसी के अंतर्गत यदि देखें तो भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है, जैसे कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालक। यदि हम देखें तो वास्तविक कौन होता है, पीए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो रियल नॉमिनल मतलब रियल होते हैं, वास्तविक जिन्हें बोलते हैं। और उसके बाद यदि नॉमिनल की बात करें, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ये नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, मतलब पद है इनका, पर मैन जो होता है रियल रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार यदि देखें तो बहुमत वाले दल की सत्ता, मतलब हमारे जो लोग उसमें सीट है, सीट का प्रावधान कितना है, 545, जिसमें से 543+2 मतलब दो एंग्लो इंडियन है और 543 सीट है, इनमें से जो जीतना होता है, जीतने वाले दल को कितनी चाहिए होती है, 72+1। तो क्या होता है, विशेष बहुमत वाले दल की सत्ता है, मतलब जीते जिनको 272+1 मिलेगी वो ही क्या कहलाएगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता कहलाएगा, या उसी की सरकार बनेगी। उसके बाद है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। तो क्या होता है, विधायिका रूल बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका क्या होती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो ये मतलब जिम्मेदारी तो रिस्पॉन्सिबल तो रहेगी उसी के प्रति। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो जो मंत्री होते हैं विधायिका में वो मेंबर मेंबरशिप होती है उनकी। उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व है। तो सेंटर की यदि बात करें, तो सेंटर में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, और स्टेट में CM नेतृत्व करता है, मतलब चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं हम। उसके बाद निचले सदन का विघटन, मतलब यदि स्टेट की बात मतलब सेंटर की पहले बात करते हैं, तो सेंटर में क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा, तो लोकसभा निचला सदन है, उसका विघटन किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा का नहीं किया जा सकता है। और स्टेट की यदि बात करें, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद, उसका विघटन नहीं किया जा सकता, पर निचला सदन क्या होता है, विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका विघटन किया जा सकता है। अब क्या होता है, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है।
फिर भी मूलभूत अंतर है उन दोनों में। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद क्या है, संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद क्या करती है, रूल बना दे तो वो क्या है, उसको हटाने का किसी के पास पावर नहीं है। पर हमारी भारतीय संसद रूल यदि बना दे तो सुप्रीम कोर्ट को हटाने का पावर यहाँ दिया गया है। और हमारे भारत में निर्वाचित व्यक्ति ही क्या होता है, निर्वाचित व्यक्ति ही यहाँ पर क्या होता है, मेन होता है, मतलब मुख्य नेता होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी होता है, मतलब वंशानुगत यहाँ शासन चलते रहता है, जिसे हम मोनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो संसदीय संप्रभुता, तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, तो यहाँ बात की जा रही है जैसे कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार न्यायिक व्यवस्था क्या है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से इसमें थोड़ी कम है। तो दोनों का क्या है, यहाँ पे दोनों का मिला जुला रूप यहाँ माना जा सकता है। तो अमेरिका का जो संविधान है, विधि की नियत प्रक्रिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है, अब आपको प्रूफ नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, उठाकर उसको सीधे जेल में डाल दोगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, जब तक कि प्रूफ ना हो जाए तब तक आप उसे जेल में नहीं बंद कर सकते। पर हमारे यहाँ भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब पहले उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी और सारी चीज वहां बाद में सॉल्व किया जाएगा मैटर। और ये जी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच क्या हुआ है, उचित संतुलन बनाने में प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सिंपल सी बात है, स्वतंत्र है, तो ये हमने पीछे भी देख चुके हैं। तो संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में क्या है, एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, ये निर्णय खुद ले सकती है सारी चीजों, संविधान का रक्षक किसे बोला जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, नीचे स्तर पर उच्च न्यायालय है, उसके बाद उसके नीचे देखे जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला अदालत है, और निचली अदालत, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय रूल बनाएगा या उसके अनुसार ही फॉलो करेंगे। न्यायालय एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ कानूनों राज्य के कानूनों को भी लागू करता है, हालांकि अमेरिका में क्या है, संघीय कानूनों को संघ न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष अदालत जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, और इसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, उसके बाद देखते हैं निर्धारित सेवा शर्तें, मतलब 5 साल का है तो 5 ही साल वो सेवा करेगा, उसके पहले नहीं हटाया जा सकता। संचित निधि से क्या होगा, उनके खर्चों का वहन किया जाएगा, और उसके कामकाज के समय कोई भी विधायिका उस पर चर्चा पर रोक लगाया गया, यहाँ पे अदालत में कामकाज पर सेवानिवृत्ति के बाद रोक लगाई गई है, अगर कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे दंड देने की शक्ति भी यहाँ पर दी गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है यहाँ पर सेपरेट। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार हमको पता है अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 है, और इनका वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 3 में संविधान के। तो देख लेते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है 14, मतलब जो आर्टिकल 14 से 18 तक यहाँ वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसमें वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो इसे क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 32 को यहाँ डॉक्टर बोला जाता है, ये सारे संविधान का रक्षक, मतलब इसके तहत हम जो कोर्ट है उच्चतम न्यायालय उसमें रिट लगा जारी कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, और जो भी कार्यपालिका और विधायिका मनमाने कानून है उसके निरोधक की तरह ये काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में क्या होता है, न्यायालय के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ वो सीधे कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है, और उसके बाद उसमें रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार के कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, और इनको अपरिवर्तनीय नहीं, मतलब अपरिवर्तनीय भी नहीं है, मतलब इनको बदला जा सकता है। संशोधन अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है, या इनमें कुछ जो प्रावधान उनकी कटौती की जा सकती है। सिर्फ किसको छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये सभी जो मौलिक अधिकार उनको स्थगित किया जा सकता है, मतलब 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी को स्थगित किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन नीति निदेशक सिद्धांत को क्या कहा है, नोबेल फीचर कहा है, मतलब एक अनूठी विशेषता कहा है संविधान की, और संविधान में इनको भाग 4 में वर्णित किया गया है। यदि बात करें तो इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि देख लेते हैं, सामाजिक है, गांधीवादी है, उदार बौद्धिक है।
तो ये जो है नीति निदेशक तत्व का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अब एक जो है इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब क्या होता है, नेता चुन लिए जाते हैं जनता के द्वारा, जनता वोट दे देती है कि भाई चलो ठीक है, आश्वासन दे देते हैं कि हमारी ये इच्छाएं पूरी की जाएगी, इच्छाएं पूरी की जाएगी। तो ये क्या है, इनको कानूनी रूप से मौलिक अधिकार के तौर पर मतलब जो है जारी, मतलब कानूनी व्यवस्था नहीं है इनके लिए, पर क्या है एक अधे मतलब बोल सकते हैं हम कि जिम्मेदारी है, मतलब राज्य की जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करे, क्योंकि 5 साल बाद फिर से उनको वापस आना है। तो संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति की ही राजनीतिक जनमत है। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा गया 1980 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान की नींव किस पे डिपेंड है, मौलिक अधिकारों पे और नीति निदेशक सिद्धांतों, इनके दोनों का संतुलन बनाए रखा रखा जाए तो ये इनकी नींव जो संविधान की नींव है उसे बरकरार रखा जा सकता है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं है, बाद में जोड़ा गया इनको, कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जब आंतरिक आपातकाल की स्थिति थी 1975 से 77, उसके दौरान इनको जोड़ा गया है। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है। और 2002 में, मतलब इनकी संख्या पहले कितनी थी, 10 थी, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो वो मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित था, ये आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। पार्ट 4A संविधान में इनको एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। अब आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार प्राप्त है तो आप मौलिक अधिकार कब तक मौलिक अधिकार माने जाते हैं, जब तक कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, तो आप उनको मतलब जो संतुलन बनाए रखो तो ठीक है भाई मौलिक अधिकार है, पर आप दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन करने लगे तो समझ जाओ कि मौलिक अधिकार नहीं है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करना, मतलब उसकी रक्षा करना, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना मौलिक कर्तव्य। नागरिकों को यह दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश, नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना है। नीति निदेशक तत्वों की तरह भी इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, मतलब एक एक जिम्मेदारी मानी जाती है। हम हमारे भारत में रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं तो उनकी जो संपदा है या फिर जो भी राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनकी रक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी मानी जाती है। मतलब मौलिक अधिकार जैसे इनको लागू नहीं किया जा सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।